तो भरत भाई की मुलाकात मिलते हुई थी जोधपुर में और हम लोग साथ में मेरे ऑफिस गए थे MyFM के और वहाँ पर हमने साथ में एक कहानी रिकॉर्ड करी थी जिसे हमने कोलैबोरेशन में डाला था। एंड उससे पहले मुझे लगता था कि उस समय मेरे कोई ज्यादा फॉलोवर्स नहीं थे, उस समय मैंने रिसेंटली कॉन्टेंट बनाना शुरू किया था। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये उस इंसान की जर्नी है जो फॉलोवर्स होने के बावजूद भी इतना डाउन टू अर्थ था कि उसने कभी भी किसी को ना नुकुर नहीं किया। क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ इस इंडस्ट्री में इतने सालों से होने के बाद में कि जब किसी के चार फॉलोअर्स बढ़ते हैं भले उसे चार गली छोड़ के चार लोग ना जाने पर वो कैसे अपने आप को एकदम महान समझने लगता है। तो भरत जब मुझसे मिला था तो इसने बहुत प्यार से बोला था सेलेज भी आओ ना कॉन्टेंट बनाते हैं। तो आई वॉज सो हैप्पी, मैंने कहा यार क्या बात है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट यार। और आज आपको जोधपुर शहर में ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये कि जब कंटेंट की दुनिया से कोई इंसान बिजनेस की दुनिया में आता है, इस दुनिया में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा भी घर का बिजनेस है, आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग। लेकिन अब आप जब ऑल्दो आपका एक बिजनेस पहले था, राजपुरोहित जो होते हैं वो मिठाइयों के लिए बहुत जाने जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप जो आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रदीप भाई को भी थैंक यू देना चाहूंगा, हमारे होटल के कर्ता वर्ता जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उसका भी बहुत बहुत थैंक यू। शैलेंद्र भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं, कहां पर है शैलेंद्र भाई, क्योंकि ये बैकबोन है वतरास के पीछे जितना मैं समझ पा रहा हूँ। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत थैंक यू। और बस यार यही कहना चाहूंगा ज्यादा, मेरे को लगता है बाकी सारे जो है, बाकी मेरा नाम है शैलेश मुरानी, मैं अपने सोशल मीडिया पे कहानियां सुनाता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं शैलेश भाई ने आपके बारे में मैंने किया लेकिन इतनी सारी बातें बताई, थैंक यू सो मच शैलेश भाई। और शैलेश भाई के बारे में मैंने तो मैं जितना क्या बोला वो भी कम रहेगा क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस और जिन तरीके वो एनर्जी और एक कोई नहीं कि कुछ करना होता है तो चीजें देखी नहीं जाती कि भाई उसमें मेहनत कितनी लगी होगी और उससे वापस कितना क्या मिलेगा। तो शैलेश भाई का तो वो है कि भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जो आप कहानी और किरदार उन बहुत बहुत तालियों भी।
और अपने साथ में मैंने ललित जी, तो मैं चाहूंगा कि ललित जी भी आप लोग इंट्रोडक्शन दे रहे। नमस्ते सभी को, कांग्रेचुलेशन भरत भैया वस्त्रास लॉन्च करने के लिए, और मुझे इसके प्रिंट्स बहुत अच्छे लगे, और कोशिश रहेगी कि मैं भी अपने वीडियोस भरत भाई के कुर्ते में शूट करना स्टार्ट करूं। और मेरा नाम ललित फरियार है, और WCDYOGI नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं योगा सिखाता हूँ और मैं कुछ स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी कंटेंट क्रिएटर से मिलकर, काफ़ी कुछ जानता और किसी से नहीं मुलाकात भी हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत भैया बुलाने के लिए। ललित भैया योगा रे मैंने एक्सपर्ट है ही, और साथ में मैंने एनर्जी बहुत गजब, और उन्हीं साथ में मैंने जो आप सोशल कॉज है साथ में मैंने कनेक्ट होना, और अपने तरह लोगों के साथ में मिलना बहुत गजब, तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। अपने साथ में मैंने और है माही भाई, और जो हमारा नया कॉन्टेंट क्रिएटर और वैसा बिना वास्तव जो आप कॉन्टेंट में प्रेम कर रहे हैं लगभग सब, अगर नहीं कर रहे हो तो आप ध्यान कर दो। पहली बात तो अरे भाई ने मतलब मैं भाई देख रहा हूँ, देखा करो बड़े भाई है एक तरीका हूँ, और नॉर्मली मैं ब्लॉग्स बनाया करूँ फूड वगैरह बना नॉर्मली, और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी घर पर लॉन्च हो गई है एक तरीका हूँ, आप समझ रही है बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुभाष जी को बहुत बहुत शाबाश, थैंक यू। और अब हमारे साथ मैंने अमन भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच पधारने वास्ते, आपने बारे में आप लोग बहुत बहुत थैंक यू भरत भाई का जो जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं अपने बोलने की शुरुआत अपने टैगलाइन से करना चाहूँगा, हेलो जोधपुर। मेरा नाम अमन करीम है और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तब पूरी लगाया है भरत भाई। मैं सोचा था कि यहाँ पे सिर्फ इवेंट लॉन्च होगा, लेकिन साथ ही साथ आपने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ब्लॉगर मीटअप कराई, आप ऐसे ही बढ़ते रहें और सबका सपोर्ट करता है, थैंक यू, थैंक यू सो मच पूरी तरह। और आप तो परिचय है बहुत आज साइन नहीं है, बट एनआर जो मैं जितनी भी तारीफ करूंगा या फिर आपके बारे में जितो बोलूंगा, जितो राजस्थान ने जितनी खूबसूरती के साथ मैंने बताया, और रियल राजस्थान ने जो बताया है रियली, मैंने बताऊँ की मैं सैल्यूट करूँ आपने, और जो भाईचारो और जो खूबसूरती के साथ मैंने बताया है आप अमीन गचीपुरा, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग, और आप लोग परिचय भी आप बताए ला आप रहता है रहते हैं। देखो आज पब्लिक के बीच में पहली बार बोल रही हूं, ज्यादा छाती में पड़ा मेरी पप्पा की देर काम रही है, देख पकड़ लो मेरे को बोला। मेरा नाम आमिन गच्छीपुरा है, तो मेरा नाम मोहम्मद आमिन है, कैसे मेरे काम का ठीक है, और सबसे पहले तो ठीक है प्रीपेड लाइन सुन गया बन जाएगा, सर इस इवेंट में आया और मेरे कॉन्टेंट के बारे में बताना चाहूँगा, ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है कि मिडिल क्लास का इंसान राजस्थान कैसे घूम सकता है, और मैं 18,000 के अंदर राजस्थान घूमाऊँ पूरा और जिला गाँव हो गया, तो कभी भी आपको कम से कम, क्योंकि ट्रेवल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि कम खाना और ट्रेवल, तभी वो ट्रेवल कर सकते हैं राजस्थान में, जैसे घूमना होगा तो आपको 50 रुपये रूम से लेके 1,00,000 तक मिल जाएगा, और खाना 8 रुपये के थाली से लेके 42 तक मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा कॉन्टेंट है, देखना कभी आप पसंद आए, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खाना पड़ेगा, जेल का आटा खाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, अरे भरत भैया आप कैसे हो, एकदम तनाटन लग रहे हो मास्टर एज की लॉन्चिंग में, कौन बोला कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिंचन दोहरा है, आप लोग कैसे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ, और भरत भाई को मैं स्पेशली बहुत लेट आया हूँ अपनी शक्ल दिखाने की फेस करी, वहाँ वहाँ मैं आर्टिस्ट के लिए कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ, उनके लिए सपोर्ट लाता रहता हूँ, उनके लिए इवेंट्स लाता रहता हूँ, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है छोटा सा,
मैं आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट के लिए मैं हूँ, यही मेरा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो लेकिन उससे भी ज्यादा है ना उसकी पैकेजिंग है, उसकी पैकेजिंग बहुत मस्त लगी मुझे। और जो मैं ना एक पेज हैंडल करता हूँ चित्र जो आर्ट का है, जो भी संडे को होता है उसमें रेगुलर एक्टिविटीज होती है, तो उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। और जोधपुर को मेरे को और एक्सप्लोर करना है, मैं सबको देखता हूँ अभी और सीख रहा हूँ। हमेशा सोशल मीडिया मैंने और यो देखा नहीं कि जोधपुर वास्ते और ग्रैंडर साथ रहे मैंने रहो तो सब वास्ते कलरों के हो सके, वो आप सोच लिया है देख लिया है। जो आप हेलमेट और ब्रांड है यो देखो तो ब्रांड ही है जोधपुर, मैंने हेलमेट वाल आपके बारे में दो शब्द लिया है। लेकिन मैं जतीन भाई के बारे में मैंने अगर जितो कहूँगा नहीं बहुत कम पढ़ेला, बहुत बहुत थैंक यू जतीन भाई और आप लोग सपोर्ट और साथ हमेशा बड़ी बड़ा रहे और हमारे लाइक जितने भी कोई सेवा है जरूर बताइए। राम राम सर सभा ने, हमारा नाम ललित है और मैं दो पेज हैंडल कर जोधपुर ट्रैकर्स, जो बेसिकली मैं लोग जोधपुर माने ट्रैकिंग वगैरह कराया करा हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज और इवेंट किया करा भी माने। और दूसरा मारो पेज है जोधपुर इंस्टा वन, जिन माने मैं जोधपुरी ब्लॉगिंग और जोधपुर ने एक्सप्लोर करा, जिनमें फूड ने ले बेसिकली फिक्स नहीं है कि मैं सिर्फ वही चीज़ दिखाऊंगा, आपने खाणों भी मिलेगा बटे, आपने रेवड़ों भी मिलेगा, आपने हेरिटेज भी मिलेगा, आपने सोशल वर्क भी जरूर मिलेगा। ज़्यादा मानो बेस रहे सोशल वर्क, अगर आप लोग खरबूजा बावड़ी बारे में पढ़ियो हो देखियो हो सुनियो हो तो वो मारो ग्रुप और हमारी टीम मिलने गई है वो सब काम। आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद और भरत जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी एक मिनट आप समय लूंगा, दो मिनट। भरत जी मैं नॉर्मली सिर्फ एक डीएम करने यानी एक बार इन्वाइट करी तुम्हारे जोधपुर ट्रैकर्स पेज मारे, फिर बाद में है जितो सपोर्ट करी हो माने हर चीज़ें माने जितो यहाँ हो सके वो हमारे साथ हमेशा रही है। तो एक हेल्थ रिलेटेड और कोई भी चीज़ रो आइडिया देना हो या कोई चीज़ की सजेशन लेनी हो तो हमेशा हमारे साथ रहे है। तो आपने बहुत बहुत बधाई हो आपने वस्त्रराज वास्ते, आई होप वो बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा, सभी भाइयों सपोर्ट रहे। मैं उसमें ड्रम प्ले करता हूँ और साथ इसका नाम शुभम है, ये बेसिकली जोधपुर से नहीं है लेकिन पहाड़ी बंदा है और पहाड़ी तो आप लोग को पता ही होगा म्यूजिक में पहाड़ियों के नाम है ना। तो जोधपुर में आया था तो मैं मिला था इससे चित्र स्पर्श में एक इवेंट हुआ था हमारा सांझ करके, तो सांझ में मैंने देखा था इसको। तो अब हमेशा मेरा रहता है कि थोड़ा सा इधर आए, शर्माता बहुत है थोड़ा सा। तो मैंने आर्ट देखा था तो हो जाता है, तो वैसे ही ये मिल गया था मेरे को, तो मैं इसके साथ मिलकर थोड़ा बहुत म्यूजिक किया तो फिर समझ में आया कि हाँ यार बच्चा कर सकता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और थोड़ा बहुत म्यूजिक होता रहा और आज भाई करता है कुछ बताओ अपने बारे में। एक्चुअली मैं ड्रम प्ले करता हूँ महफिल ब्रदर्स बैंड में और कई कबार तो मैं चित्र स्पर्श में भी करा हुआ है। मेरा नाम हर्षवर्धन कीजी है, मैं महामंदिर से हूँ जोधपुर में हूँ, मैं जानता हूँ महामंदिर बिल्कुल जानो सर एकदम ठीक है। और भरत भाई और वेदी भैया आप दोनों का बहुत बहुत आभार मानूंगा कि आप दोनों कोलैबोरेशन के कारण ही मैं भरत भाई को मिले था वैसे कि फर्स्ट टाइम हम आप मिले कटे और भरत भाई का स्वभाव देखो आप, इतना बड़ा आर्टिस्ट वॉइस आर्टिस्ट मतलब बड़ा बड़े मारवाड़ी ना पागे लेन जावा और मारो भी हमेशा रहे। मैं इतना बड़ा म्यूजिशियन तो नहीं हूँ लेकिन छोटा मोटा आप लोग गुजरो जो भी मन म्यूजिक आवे मैं करता रहूँ। और पहली चीज आए कि मैं आप सबने कहूँ आप भी एक बार थोड़ी देर पहले मन कह रहा था कि मैंने डर बड़ो लागे हमारा हाथ दूजे नहीं हूँ मैं माइक पकड़ू जेटा है कटे ही यूं हड़बड़ाहट हो जाए कि बोलू की करना चिल ज्यादा सोचना नहीं। अगर आप सोचा कि भाई कहीं करना मैंने
समझ कर अगर तो सोचना हूँ ज्यादा करना मत है, आप ध्यान दो ला तो ही सब कुछ होगा। और एक और चीज मैं आपने बोलू भरत भाई, आप और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ मैं कि आप मैंने मारो मनीष ना आप लोग सब जानते ही होला और मारो बचपन का दोस्त है, वे लोग सेम स्कूल में था भारी पैर भारी जल्दी आएगी स्कूल में दोस्त है बचपन में बिछड़ गया था लेकिन वापस मिलना मैं तो हट गई कह रहा है रो तो फिर मैं भाई रो तो फिर हाथ ही रोता फिर चलो ठीक है हाथ ही फिर हमारा तो हंसता फिरता ही जा नहीं रोता रोता मुझे और बाकी भरत भाई रो बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ मैं बहुत धन्यवाद मेरा नाम नीरजा राजपुरोहित है और आपका भरत सा मारा मामू सा है और मैं एक राजस्थानी सिंगर हूँ और उन्हें हाथ है मैं भरत सर हाथ है वीडियो भी बनाया करूँ और मारो काम है भरत सर दिमाग कावड़ो इन्होंने टॉर्चर करना इन्होंने डिस्टर्ब करना और बाकी तो मजा करती रहो आती रहो और लोगों ने भी सताती रहो बहुत बहुत धन्यवाद एक साल हुआ है पर एक चीज जो मैं नोट करी और मैं खुद भी सीखी इतना उतार चढ़ाव आया नहीं हकीकत में मारी लाइफ में मैं तो मम्मी ए मम्मी और ए भाई साहब नहीं करिए नहीं करूला चाहे कोई भी हो जाए कितना भी लोग नहीं कहते दुनिया में कहते कोई मतलब नहीं है मैंने मारो सिर्फ टारगेट दिखे मतलब इतना मोटिवेशन जो आदमी भाई साहब सल्यूट है बस और तो मैं नहीं जे मैंने मार के कहीं क्यों लेकिन जे नाम है दीर्घा कौन चीज और तो नहीं कहा बहुत बहुत धन्यवाद मानव महेंद्र सिंह चारण मारा कैरेक्टर कॉमेडी करिए मारा फेमस कैरेक्टर है गप्पी बात और उन्हें अलावा मैं काफी टाइम कर रही हूँ और अबे भी एक दो कैरेक्टर नया बनाया बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत बधाई है भरत भाई को इतना प्यारा इवेंट और इतना प्यारा ये लॉन्चिंग वस्त्राज की इनकी जो लॉन्चिंग है उनके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको और हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहेगा खास करके सौरभ भाई अपने बाबा शैलेंद्र भाई हमारे सागर भाई डकटी डूबी डाले इन्होंने आज ऐसा जगह है कि इन्होंने हमें नींद ही नहीं आवा बहुत बहुत धन्यवाद ठीक इमोशनल मोमेंट तो भरत भाई रहो सपना तो वो साकार होगा बहुत बहुत बधाई है भरत का और मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ मेरा नाम मनीष प्रजापत है और मैं दूसरों के घर की पंचायती वीडियो बना के डालता हूँ जिससे मैं व्यूज बटोर लेता हूँ तो यही बातें हैं चलती रहती है हंसी मजाक में वो भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद और एक सर ट्राई कर दीजिए हमारे भैया मैंने जब तक देख रहा है उसमें से मैंने एक बात नोटिस की है कि कोई अलग अलग लैंग्वेज बोल रहा है कोई इंग्लिश बोल रहा है तो कोई हिंदी बोल रहा है कुछ कोई मिक्सअप है कोई मारवाड़ी पर मैंने एक बात नोटिस किया कि भरत पे जो वीडियोस बनाते हैं उसमें जो राजस्थानी भाषा बोलते हैं वो रियली बहुत ही बहुत लाइफ होती है और मैंने भी बहुत कोशिश की वो राजस्थानी बोल पर नहीं हो पाता है मिक्सअप कर देती हूँ तो पहले मैं इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ी बहुत बोलने में और दूसरा कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो एग्रीकल्चर के बारे में बट मेरा मेन लक्ष्य है कि मैं एजुकेशन में ज़्यादा स्टडी करती हूँ मेरे पढ़ाई का ज़्यादा है और मेरा सपोर्ट करने वाले मेरा भैया है उनकी वजह से मैं आज वीडियोस बना रही हूँ वरना मुझे इतना सपोर्ट नहीं है बट आपकी मुझे राजस्थान पर बहुत 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 अच्छी लगती है थैंक यू सो मच भैया हेलो एवरीवन क्या मैं अपना परिचय दे सकती हूँ हाय हिंदी की प्रचारक मैं एमए पास नाम मेरा है वैष्णव राधिका दास ये पोएट्री अंदाज इसलिए था क्योंकि मैं पोएट्री कर
करती हूँ, लिखती भी हूँ और अभी अभी राजस्थानी में लिखना शुरू किया है। तो आप लोग अगर चाहें तो मैं आपको राजस्थानी में दो लाइनें सुना सकती हूँ। अरे कि मारवाड़ का मिनक मानसिक तारा काचा है, मारवाड़ का मिनक मानसिक तारा काचा है, ए गावड़ लारे झूठा और मुंडा आगे हंसा है। तो ओसा राजस्थानी में थोड़ा सा कंटेंट मैं आपने प्रेजेंट करी हूँ। पूरा कंटेंट देख लो मैं तो आप हमारे पेज में जरूर जाइजो और देख जो आपने अच्छो लागे तो अप्रिशिएट कर जो, नहीं तो कोई बात को नहीं मैं तो यही लिखती रहूंगा। और देखो मैं यूँ करे कभी कभी आपस में बलन भी हो जाएगा रे, तो एक चक्कर में भी लोग मतलब देख ले रहे पेज में लेकिन उनसे विजिट नहीं करे, लाइक कर दे तो कहीं हम देख रुपये खर्च हो जाए तो वास्तविकता है। लेकिन एक जो को कंटेंट क्रिएटर होया करे, जिसको राइटर होया करे, खासकर मैं जिसको लेखन का काम करूँ, राइटर ने कोई कठिन कुछ भी मिलिया को नहीं करे लेकिन वो फिर भी अपनी मन की भावनाओं जिसको है वो व्यक्त करिया करे। और मैंने जिसको प्लेटफॉर्म लागे वो इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लागो कि जैसे मैं लिखने हमारे मन की बात शेयर कर सकूँ। तो बिल्कुल आप भी जुड़ो और आपने वास्तव में अच्छा लगे ला और तो कहीं कह सको बस इतना ही मारो परिचय है। राम राम। हो गया सब अच्छा ब्रांड लग रहा है मेरे को और शॉपिंग भी करेंगे आपसे। और मेरा नाम है आसिफ और मेरे पेज का नाम है लाइफ ऑफ आसिफ और मेरा जो कंटेंट रहता है वो कैफेज हो गया, लग्जरी होटल्स हो गए, लग्जरी रिजॉर्ट्स हो गए, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है। और मैंने जो कंटेंट के अंदर वर्ल्ड की जो टॉप 5 के अंदर आती है लग्जरी ट्रेन में से पहले 100 मील्स वो भी मैंने कंटेंट कवर कर रखा है उसमें और उसके अंदर मतलब लाइक 16 मिलियन व्यूज आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ भाई और रियली आपका कंटेंट भी आप देखो ला लाइफ ऑफ आसिफ जो अपन पेज है मैं खुद ही देखूँ और मन बहुत गजब ही लगे और मैं सिर्फ एक मैसेज आपने ड्रॉप करियो तो और आप बता रहे हो मन बहुत अच्छा लगो और खुशी भी हुई कि आप लोग साथ और सपोर्ट हमेशा ही जुड़े रहे हैं और आप यही साथ हमें ना करता है हमारा लाइक जब भी कोई सेवा हो ज़रूर बताओ जो बाकी तो और मैं बुलाना चाहूँ मैंने और मैंने हमारा तो मैं हूँ वो जीरो जो जिसके साथ खड़ा हो जाता है जैसे हमारे भरत भाई उनकी वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है और मैं दो चीज़ का लवर हूँ, एक घी क्योंकि जोधपुरी हूँ और दूसरा टी, तो टी मेरी हमारे हमेशा साथ रहते हैं। और रही बात सब अपने अपने बिजनेस में ये चाहते हैं मेरे पास कस्टमर आए, मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप में से कोई भी मेरे पास आए। मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, मैं चाहूँगा कि किसी को मेरी जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद और भी इंट्रोडक्शन के वास्ते मैं एक बार मेरे टीम ने बुलाना चाहूँ जो टीम रे बने जो भी है गेट स्पॉट लाइक डॉट मी जो भी मेंबर है एक बार सब पता रहो खुशी क्योंकि